दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा का आया तूफान, तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कोहराम। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ाकर रख दी धज्जियां। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर रोहित शर्मा किस तरीके से बांग्लादेश की टीम के लिए यमराज बन बैठे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच जब टॉस उछाला गया दूसरे टेस्ट मुकाबले का, तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर के गिरा। जहां पर रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया, जहां पर कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। गेंदबाजी करने का मौका फिर से एक बार बांग्लादेश की टीम को मिला। बांग्लादेश की टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर के आए महडे, काफी तूफानी विस्फोटक ऑलराउंडर गेंदबाज महडे पहला ओवर लेकर के आए और पहले ही एक ओवर में रोहित शर्मा ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की और चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को क्या हो गया है जो इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने बल्ले को लहराते हुए काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से 4th ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक दिया। 4th ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर छक्का ठोक दिया। 4th ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए स्ट्राइक अपने पास रखी। रोहित शर्मा ने 4th ओवर की 5वीं बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और 4th ओवर की 6 गेंदों पर 28 रन रोहित शर्मा ने ठोक दिए। तो वहीं 5वीं ओवर की 6 गेंदों पर 11 रन यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए। 6ठे ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। पहले टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल जो है फ्लॉप रहा और यहां पर रोहित शर्मा काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करने के बजाय पूरी तरीके से बल्लेबाजी में नाकाम रहे। यहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा की इस गलती के कारण भारतीय टीम को हार का सामना भी करना पड़ सकता था पहले टेस्ट मुकाबले में, लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन ने मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की कमान संभाली थी। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा रुके नहीं, रोहित शर्मा ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। रोहित शर्मा ने 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके फिर ठोक दिए। 9वें ओवर की 4थी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल ने 156 मीटर लॉन्ग छक्का ठोक दिया। एसएसवी जायसवाल भी काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कुछ ऐसे थे, बांग्लादेश के गेंदबाज रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रोहित शर्मा के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। रोहित शर्मा काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर यशस्वी जायसवाल को 13वें ओवर की 4थी बॉल पर काफी बड़ा झटका लगा। 13वें ओवर की 4थी बॉल पर यहां पर 52 यानी कि 52 रन ठोक करके जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज। शुभमन गिल वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने दूसरे टेस्ट मुकाबले में 119 रनों की नाबादपारी खेली थी, लेकिन दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यहां पर पूरी तरीके से शुभमन गिल फ्लॉप रहे थे और 0 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले के यहां पर तीसरे दिन यहां पर 119 रनों की नाबाद
विस्फोटक बल्लेबाजी की थी। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर रोहित शर्मा ने भी शुभमन गिल को सलाम ठोका था। शुभमन गिल ने मैदान पर कदम रखा और 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों 16वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर 3 छक्के और 3 चौके रोहित शर्मा ने ठोक दिए। रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा ने कसम खाई थी कि 13 शतक की पारी जरूर ठोकेंगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाएंगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 17वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका ठोक दिया और चौथी बॉल पर एक रन लिया जहां पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। शुभमन गिल ने 17वें ओवर की छठी बॉल पर एक गगनचुंबी चौका फिर ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर एक चौका ठोक दिया। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिया स्ट्राइक अपने पास रखी। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा 18वें ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए हर एक वो प्रयास कर रहे थे जो एक बेहतरीन विस्फोटक गेंदबाज और टीम को करना चाहिए था, लेकिन रोहित शर्मा को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। शुभमन गिल का बल्ला भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। शुभमन गिल ने 23वें ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक दिया। 23वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। 23वें ओवर की चौथी बॉल पर यहां पर रोहित शर्मा ने छक्का ठोक दिया। 23वें ओवर की पांचवीं बॉल पर एक कवर ड्राइव को चौका ठोक दिया। 23वें ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। लेकिन दोस्तों 24वें ओवर की तीसरी बॉल पर शुभमन गिल आउट हुए। यहां पर 62 यानी कि 62 रन ठोक करके और अर्धशतकीय पारी खेल डाली। शुभमन गिल जैसे ही आउट हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां दोस्तों, विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। विराट कोहली ने अपने बल्ले को लहराते हुए मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। विराट कोहली ने 25वें ओवर की 6 गेंदों पर आते ही मैदान पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, विराट कोहली भी पहले टेस्ट मुकाबले के पहले इनिंग और तीसरे इनिंग में फ्लॉप रहे थे और हर किसी को लग रहा था कि विराट कोहली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय टीम का एक ऐसा ही विस्फोटक बल्लेबाज बचा था जिसका नाम था विराट कोहली, जो लंबी पारी खेल सकता था। लेकिन विराट कोहली तो यहां पर आप सभी को बता दें 6 रन ठोक करके आउट हो गए थे। लेकिन विराट कोहली ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाज को इस कदर धोया कि वो भी 7 जन्म तक याद रखेंगे। विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 26वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर बेहतरीन विस्फोटक तरीके से चल रहा था। विराट कोहली ने 27वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके फिर ठोक दिए। विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर गौतम गंभीर का माथा चकरा गया। तो वहीं रोहित शर्मा ने यहां पर 28वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली एक दूसरे की मदद से काफ़ी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज महडे यहाँ पर जब आप सभी को बता दें 29वां ओवर लेकर के आए तो कसम खाई थी महडे ने कि यहाँ पर रोहित शर्मा या विराट कोहली का एक विकेट लेंगे। लेकिन शायद यहाँ पर महडे को नहीं पता था कि विराट कोहली लगातार 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक देंगे। लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 30वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके विराट कोहली ने फिर ठोक दिए। 31वें ओवर की 6 गेंदों पर 7 रन रोहित शर्मा ने बनाए। 32वें ओवर की 6 गेंदों पर 11 रन विराट कोहली ने बनाए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने कमाल की बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों 34वें ओवर की तीसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली आउट हुए। दोस्तों विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान, भारतीय टीम का वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सरफराज खान ने मैदान पर उतरते ही छक्के चौके ठोकने शुरू कर दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान ने अपने बल्ले को लहराते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। सरफराज खान का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सरफराज खान ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए यहां पर
36वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। लेकिन दोस्तों 37वें ओवर की तीसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा आउट हुए। लेकिन रोहित शर्मा ने 100 200 300 नहीं बल्कि 428 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। रोहित शर्मा ने काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और रोहित शर्मा ने 428 रन दूसरे टेस्ट मुकाबले में ठोक दिए। अब बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने मैदान पर कोहराम मचा रखा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर रोहित शर्मा जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। वही ऋषभ पंत ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी और भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत दर्ज दिलाई थी और बांग्लादेश की टीम को खुद सेट करके अपने आप छक्के चौके से बरसात की थी। ऋषभ पंत और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कहां पर रुकने वाले हैं। ऋषभ पंत ने 40वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के 2 चौके ठोक दिए। 41वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके सरफराज खान ने ठोक दिए। दोस्तों 42वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का फिर यहां पर सरफराज खान ने ठोक दिया। सरफराज खान 38 रन ठोक करके यहां पर आउट हो गए। जब से ही सरफराज खान आउट हुए मैदान पर 50वें ओवर की तीसरी बॉल पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर ऋषभ पंत आउट हुए। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए 2 खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आए, नंबर 1 रविचंद्र अश्विन और नंबर 2 रविंद्र जडेजा। वही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जो दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की। पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, विकेट कीपर बल्लेबाज के अलावा जैसे 4 खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तब मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन का बल्ला चला। दूसरे टेस्ट मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की ही थी लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रविचंद्र अश्विन ने 52वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के से शुरुआत की। तो वहीं 53वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके रविंद्र जडेजा ने ठोक दिए। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर कहर भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो की ही थी लेकिन अब रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। रविचंद्र अश्विन ने यहां पर 55वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन का बल्ला दूसरे टेस्ट मुकाबले में ताबड़तोड़ तरीके से चला। रविंद्र जडेजा ने यहां पर 58वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। रविचंद्र अश्विन ने यहां पर 59वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली ने काफी ज्यादा रन ठोके तो वहीं रविचंद्र अश्विन ने यहां पर 62 रन तो वहीं 52 रन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने ठोके। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। क्रिकेट से जुड़ी हाईलाइट और वीडियो आप सभी को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ईश्वर से दुआएं कामनाएं बनाए रखें कि रियल मुकाबला 27 तारीख को होगा और हमारी भारतीय टीम जीते। यह एक वार्म अप मुकाबला था। मिलते हैं अगले वीडियो में।